ऑलराइट गाइस, व्हाट्स अप, कैसे आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आदि अजय और आप देख रहे हैं देसी बागी व्लॉग्स। और आज का व्लॉग गाइस आप लोगों के लिए स्पेशली हम आए हैं सर के पास। कैसे हैं सर? मैं ठीक हूं। सर अपना इंट्रोडक्शन बताइए सबसे पहले कि मैं आज कहां आया हूं, क्यों आया हूं और आज क्या क्या होने वाला है मेरे साथ स्पेशली। ठीक है, मेरा नाम डॉक्टर मखदूम हसन है। ठीक है, आज सर आए हमारी क्लिनिक मन्नत फिजियो केयर में। ठीक है, कायरो के लिए सर के नेक में पेन था तो उस पेन को रिकवर कराने के लिए आए। ठीक है, तो भैया अब सेशन स्टार्ट करते हैं, सर के साथ बैठते हैं और देखते हैं क्या क्या करा रहे हैं। भाई मेरे को तो इतनी नॉलेज है नहीं, और भाई भी आए हमारे साथ। चलो ठीक है भाई, तो पहले मेरा वाला देखो, फिर उसके बाद इसका वाला इसके ब्लॉग पे देखना जाके। तो फिलहाल दिखाते हैं क्या क्या प्रोसेस है वो देखो। सर नेक को राइट साइड टर्न करेंगे। गुड। अभी लेफ्ट साइड टर्न करेंगे नेक को। गुड। ये पेन तो नहीं है? आपने बताया नहीं था लेकिन बताया नहीं था ना कि मुझको नेक पेन है। ज़्यादा गाड़ी बाइक चलाने से भी हो जाती है। और वो हम चला पता लगा मैंने बोला था नहीं है लेकिन है। तो सबसे पहला जो डिस्फंक्शन है ना वो नेक है। नेक की वजह से हमारा लेंथ जो है ना लिम की वो नॉर्मल हो रही है। जैसे ही मैंने इसको टेम्परेरी फिक्स किया पहले ना ये थेरागन है। ठीक है, जो आपकी मसल्स है ना जो बहुत टाइट हो रखे हैं इनको रिलीज कर रहा हूँ ताकि वो ज्वाइंट को इजीली छोड़ दें। ओके, तो ये शर्ट उतार के ये ऐसी हो जाए? कर सकते हैं, हो जाएगा। कैसा लग रहा है तू? क्या रिलैक्सिंग फुल भाई। अच्छा लग रहा है तू? कल थी भैया था काफी रिलैक्सिंग होता है पूरा सारे ज्वाइंट अपनी जगह आ जाते हैं। एकदम क्या करेंगे बॉडी को ना पूरी जितना लूज रखेंगे उतने अच्छे से ये आपका अलाइन होगा। ठीक है, जैसे ही टाइट करेंगे पेन भी होगा और अलाइन भी परफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो कोशिश करना लूज रखना। एक लंबी सांस खींचेंगे, सांस छोड़ो। ओ भाई, एक लंबी सांस खींचेंगे, सांस छोड़ो। लूज रखेंगे, एक लंबी सांस खींचेंगे, सांस छोड़ो। फिर से लंबी सांस खींचेंगे, सांस छोड़ो। ओ भाई, क्या हुआ पेन हो रहा है? मुंह दिखाता हूँ मैं, क्या हुआ? साथ छोड़ो। वेरी गुड। तू बिल्कुल ढीला छोड़ दे, टाइट नहीं करेंगे। ऐसे करते मैंने कुर्बान कर दिया, मैंने कुर्बान कर दिया। काले काले Take a deep breath, breathe in, breathe out. डरिए मत, आराम से ढीला छोड़ेंगे, दर्द नहीं होगा। एक ड्रॉप के साथ कर रहा हूँ, इसमें बिल्कुल भी पेन नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा आपका कब नहीं। ठीक है, आराम से बस।
भाई फुल मैं कहता हूँ मैं कर रहा था, लेकिन सच्ची में जो इन्होंने करा है ना भाई, वो नेक्स्ट लेवल है भाई। एक्सपीरियंस यहीं आगे पता चलेगा। सच बता रहा हूँ, मतलब आवाज आती है, लगता है कि भाई कुछ कट आवाज ऐसी आई कि मतलब, अब ये मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली इनको पता होगा कि क्या चीजें है क्या नहीं है, बट भाई ये प्रोसेस बहुत डिफरेंट है और बहुत अमेजिंग है। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है मेरा, तो भाई जो फील होगा सारा सच बताऊंगा, कुछ अपनी तरफ से बना के नहीं बताने वाला। पेन हुआ भाई नो डाउट, लेकिन जब झटके मारे ना उन्होंने तगड़े तगड़े वाले, आगे ऐसी निकल रही थी भाई, तो इग्नोर करना। अब सर अगला प्रोसेस क्या है अपना? अभी अब हम सर्वाइकल का करेंगे, पहले थोरेसिक पे था, बाइक वो चलाते ना आगे बैंड करके, हाँ बैंड करके चलाते हैं, यहीं पर आपको जो प्रेशर फील रहा था ना वो अभी सब रिलैक्स हो गया होगा। अब जो हेड पे जो प्रेशर है, जो स्ट्रेस है, उसके लिए हम काम करेंगे। ठीक है ठीक है, रखेंगे तो पता भी नहीं चलेगा। हाँ नहीं भाई, झटका लगा लेकिन ऐसा लगा पता नहीं क्या कर दिया, गर्दन ना चली जाए, मुझे तो डर लग रहा है। चिंता नहीं, अभी अभी जब पूरा सेशन हो जाएगा ना उसके बाद में बात करेंगे। लूज रखो, पैर सीधा रखो, लूज रखो, कुछ नहीं होगा, छोड़ दो, ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो, वेरी गुड। इधर से नहीं आया, यहाँ पे थर्ड डिस्फंक्शन, इधर से निकला, यही था पेन तो। हाथ का कर लेते हैं। आखिर काइडो में क्या होता है ना, फुल बॉडी का करना होता है, ऐसे नहीं कि आपको एक पॉइंट पे पेन है सिर्फ वहां पे करके छोड़ दिया, तो सारे ज्वाइंट हमें कवर करना पड़ेगा। सर लूज रखेंगे लैग को, ठीक है, इधर लेके जाएंगे इसको, गुड, दोनों हाथ, ओ भाई लेके जाएंगे इधर, इधर देखेंगे कैमरे की तरफ, ठीक है। ये अटका होता है सर, कुछ क्या होता है ये डिस्ट्रक्शन है ना, जैसे आप बाइक चलाते हैं ना, अगर आप कार ड्राइव करते हैं ना बहुत ज्यादा, बहुत चलने से क्या होता है उसका अलाइनमेंट खराब हो जाता है, वैसे ही हमारी बॉडी का सीन है। अच्छा, जितना बॉडी चलेगी उतना उसका डिस्फंक्शन आएगा उसमें। ओके, तो बहुत जरूरी है। पहले तो लोग पहलवानों के पास जाते थे, वो करते थे, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन जो हमारी एज है वो करवाती नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि कायरोप्रैक्टर होता क्या। लूज रखिए लाला, लूज रखे, लग ही जा रही, हो गया। एक लास्ट बस भागे गए, पटक सुन दो, ऐसी सोच लीजिएगा भाई, बहुत सही क्रॉस पड़ गया है, गर्दन से दर्द हट गया बिल्कुल। दोनों हाथ नीचे रखेंगे, लीन कर देंगे मेरे ऊपर, तो आओ भाई यहाँ पर आओ, बहुत बढ़िया चीज है ये, अलग लेवल है भाई, सब अलग लेवल है, सही में बहुत बढ़िया, फुल रिलैक्सर, फुल रिलैक्स, 100 में से 100। अब क्या करेंगे, अब जो आप क्या बता रहे हो, कपिंग वपिंग खून निकालोगे? फायर, अभी जो है ना फायर कपिंग करेंगे, जो आपकी बैक की मसल्स जितनी स्टिव है ना, ठीक है, उसके लिए करेंगे।
सर क्या होगा सर? मसल्स को रिलीज करेंगे, रिलीज होगा। और सर यहाँ पे हिजामा विजामा भी करते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो वो जरूर देख लेना। तो वो एड्रेस वो कब क्या एड्रेस? अभी सर एड्रेस बताओ, आप वीडियो में मेंशन कर देंगे। M3M का कॉस्मोपॉलिटन मॉल है, जहाँ पर फ्लाइट ऑफ ड्रीम्स है, सेक्टर 66, बिल्कुल उसी के पीछे। हाँ, फ्लाइट ऑफ ड्रीम के जस्ट पार्किंग में हो, सीधा पार्किंग में गाड़ी लगाओ, लेफ्ट से सीधा आप आओ फर्स्ट फ्लोर पे, शॉप नंबर 130, शॉप नंबर 134। तो भैया डायरेक्ट सर से कॉन्टैक्ट, इधर भी एड्रेस है, तो यहाँ पे एड्रेस है, ये चेक कर लेना एक बारी। बहुत जबरदस्त रिजल्ट है गाइस, सीरियसली जो एक्सपीरियंस मैंने आज फील किया ना सर के साथ, और आप जो होने जा रहा है वो तुम देखो, उसके बारे में पूरा डिटेल बताएंगे। अभी तो काफी नीचे गया। दूसरा जो है इनका ये C7 और T1 भी काफी प्रोमिनेंट है, हेलमेट और आगे बैंड करके रहना, मोबाइल बहुत यूज करना ना इन वाली कंडीशन में, तो मसल्स काफी हद तक रिलीज हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा जो स्टिप बची है उसके लिए अभी हम टायर कप करेंगे। इसका पिजामा करोगे हमारी मर्जी, कर देंगे आपको, जरूरत होगी तो कर देंगे, नहीं तो ऐसा नहीं भाई, जरूरत होने पे ही करें। देखो कपिंग ऐसे ना करें, हाँ, कपिंग के जो तरीके हैं ना, कई सारे तरीकों से करते हैं हम। नंबर अभी जो मैं आपको कर रहा हूँ ना, फायर कपिंग करूँगा, ठीक है, और बाकी जो नॉर्मल कपिंग में ना स्टैटिक कपिंग है, दूसरा जो है स्टैटिक के बाद जो है हिजामा, जिसमें वो कट लगा के करते हैं, उसमें ब्लड आता है। हाँ। सही हो गया। अच्छा ऐसे होती है ये। ओ अच्छा, उससे प्रेशर बन जाता है, आग से वैक्यूम का प्रेशर बन जाता है। ओके नाइस। उई लाल हो गए पूरे, काफी सेंसिटिव है। अच्छा। चेंज करते रहते हो मतलब, ताकि वो ब्लड फ्लो बढ़ जाए। हाँ, एक तो निशान कम पड़ेंगे, दूसरा जो है हीट प्रॉपर मिलती रहेगी ना, बीच बीच में जो हीट कम होगी। हमारी क्लिनिक पे आए तो आपके जितने हमारे जितने जो पेशेंट हैं उनके लिए मुझे एक छोटा सा फीडबैक चाहिए। सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे और क्या करते हैं। सर मेरा नाम है आदि अजय, और वैसे मैं YouTube व्लॉग्स भी बनाता हूँ, ट्रैवलिंग के सारे व्लॉग्स बनाता हूँ, ऑल ओवर इंडिया मतलब घूमने का पूरा पूरा अपना विचार है। और जैसा कि आज मैंने मतलब फील किया यहाँ के, मैंने इतना ट्रैवल करता हूँ बहुत ज़्यादा, बाइक चलाना, गाड़ी चलाना, उसके बाद फिर थकान हो जाना, जैसे मेरे पैरों में पेन, बहुत सारी चीज़ें थी मेरी, यहाँ पर इतना पेन होता था चलते टाइम पर जब मैं सुबह उठ रहा हूँ या तो सोते हुए। लेकिन जो सर ने जो चीज़ें करी है ना मतलब मेरे साथ भाई, वो तुम मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बहुत बहुत थैंक्स अ लॉट फर्स्ट ऑफ ऑल। और मैं ये ज़रूर बोलूँगा, एक बार भाई यहाँ पर ज़रूर आओ, इनके पास आके एक सेशन ले लो, भले ही मैं कह रहा हूँ एक सेशन जो होता है ना, एक छोटा सा, कि अगर आपको कोई चीज़ की प्रॉब्लम हो वो सॉल्यूशन होता ही, उसके बाद आपको आगे चीज़ें पता चलेंगी आपकी बॉडी में क्या क्या चीज़ें मतलब कमी आती जा रही हैं डे बाय डे, जो कि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो वो उन्होंने आज मुझे पूरा एक्सप्लेन किया, क्या मेरे को शूज़ पहनने हैं, क्या साइज़ है पैर का, किस तरीके से शूज़ पहनना चाहिए, भाई वाकई में बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो ये थेरेपी वेरेपी ली है ना मैंने सर, बहुत नेक्स्ट लेवल है, मतलब मेरे लिए तो 100 में से 100 बोलूँगा। मैंने फर्स्ट टाइम करवाया और मेरी लाइफ का फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस है, और मैं डर रहा था कहीं जैसे आप झटका मारा, जो आपने वो जो चटके लगे ना भाई साहब, उसके बाद जो बॉडी खुली है, फुल रिलैक्स है।
सो भाई बहुत मजा आया, आप यहाँ पर आओ भाई गाइस। हमारा कॉन्टेक्ट कैसे मिला सर आपको? सर कॉन्टेक्ट मैंने एक्चुअली वीडियो देखी थी आपकी एक। ओके। सो वीडियो देखने के बाद ना मेरे को लगा कि आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहिए एक बारी के, ठीक है। ये चीज हमारे माइंड में क्या रहता है, जब हम कभी कहीं जाते हैं ना, जैसे वो आवाज जो निकाल रहे हो आप, हमें लगता है कहीं यार कहीं गलत, एक होता ना डर होता है कि भाई लग गया तो हो गया काम, क्या करूंगा। बट एक वो कॉन्फिडेंस ना यहाँ आके पता चला भाई नहीं होता है, बहुत आराम से होता है, ऐसा नहीं है। इन्होंने तरीके से बताया कि यहाँ पे ना और वाक्य में यही होता था और अब नहीं है सर, ठीक है। नो डाउट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोग यहाँ पर आओगे। एंड आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में, इनके किसी और अदर सेशंस में, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे आगे। कंटिन्यूशन ये सीरीज मेरी जारी रहेगी, हिजामा कराएंगे हम सर अगली बार, अगर जरूरत हुई तो मुझे। बिल्कुल सर, तब मैं आपसे आके देखूंगा, तब वो दिखाऊंगा भाई उसके। तो अभी इसी में कपिंग में ही मेरे इतने निशान पड़ गए, जो कि आप देख रहे होगे स्क्रीन पे फोटो आ रही होगी इधर, जो कि सर ने करी है खुद ही। तो भाई उसमें तो भाई ऐसा लग रहा था बस कि क्या, मेरे को लगा आग आई, खट गरम सा लगा, फिर एकदम से जो इन्होंने वो करा ना उससे काफी बहुत रिलैक्स मिला है। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, अपना प्यार बनाए रखना। थैंक यू सो मच गाइस, प्रीवियस वीडियो को आप लोगों ने काफी सपोर्ट किया, सर के पास आओ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, ताकि भाई ऐसे जो इंसान है जिनको प्रॉब्लम्स हो रही है, बाइकर्स कम्युनिटी को भाई मैं बोलना चाहूंगा एक बार यहाँ पे विजिट जरूर करो भाई, सीरियसली आई एम टेलिंग यू। मिलते हैं आपसे, बाय बाय।